60 से ज्यादा सिक्योरिटी गार्ड्स, वाई प्लस सिक्योरिटी और साथ में मुंबई पुलिस की भारी सुरक्षा। एक्टर सलमान खान इन दिनों इतनी सिक्योरिटी लेकर चल रहे हैं। बाबा सिद्दीकी के मर्डर के बाद जब पहली बार सलमान खान बिग बॉस की शूटिंग करने पहुंचे तो उनका सुरक्षा दस्ता चर्चा में रहा। लगातार मिल रही धमकियों के चलते सलमान की सुरक्षा बढ़ाई गई है। सलमान अभी कितनी सिक्योरिटी के साथ चल रहे हैं और उनके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स अभी चालू हैं या रोके जा रहे हैं, इन सब सवालों पर बात करते हैं। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक सलमान खान ने दुबई से एक बुलेट प्रूफ गाड़ी भी ऑर्डर की है। इसकी कीमत 2 करोड़ रुपए के करीब बताई जा रही है। सिक्योरिटी गार्ड्स की बात करें तो बिग बॉस 18 के सेट पर 60 से ज्यादा गार्ड्स सलमान की सुरक्षा में तैनात हैं। इनमें से लगभग 35 तो उनके पर्सनल बॉडीगार्ड्स हैं। बरसों से सलमान के बॉडीगार्ड का काम कर रहे शेरा और उनकी एजेंसी के लोग भी इनमें शामिल हैं। मुंबई पुलिस भी सलमान की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दे रही है। सेट पर आने जाने वाले हर व्यक्ति की जांच हो रही है। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक बिना आधार के एंट्री को बैन किया गया है। किसी भी आउटसाइडर को बिना परमिशन आने की इजाजत नहीं है। पापराजी भी अब पब्लिक में सलमान की तस्वीर नहीं ले पाएंगे। सलमान की सुरक्षा को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। घर से लेकर शूटिंग सेट तक हर जगह सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सरकार ने हाल में ही सलमान को वाई प्लस सुरक्षा दी है। वाई प्लस सिक्योरिटी में करीब 11 सुरक्षाकर्मी सलमान की सुरक्षा में मौजूद होंगे। सलमान की सिक्योरिटी कितनी टाइट कर दी गई है इसका अंदाजा इस वीडियो से लगा सकते हैं। वीडियो बीते दिनों का है जब सलमान मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंचे थे। उनके गाड़ी से निकलने से पहले ही शेरा और तमाम बॉडीगार्ड्स, तमाम सरकारी सुरक्षाकर्मी बाहर आते हैं। 2 से 3 मिनट तक सारे गार्ड सुरक्षा का जायजा लेते हैं, चारों ओर लोगों को दूर करते हैं, तब जाकर सलमान गाड़ी से उतरते हैं। आप जानते ही हैं कि बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद से सलमान की सुरक्षा कुछ ज्यादा बढ़ा दी गई है। बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी कथित तौर पर लॉरेंस बिश्नोई के गैंग ने ली है और सलमान को भी इस गैंग के नाम से बार बार धमकियां मिल रही हैं। हाल ही में मुंबई ट्रैफिक पुलिस के व्हाट्सएप नंबर पर भी सलमान के लिए एक धमकी भरा मैसेज आया था। इसमें लिखा था, मैसेज को हल्के में नहीं लेना, सलमान खान अगर जिंदा रहना चाहते हैं और लॉरेंस बिश्नोई से दुश्मनी खत्म करना चाहते हैं तो 5 करोड़ रुपए देने होंगे, वरना बाबा सिद्दीकी से भी बुरा हाल होगा। इन सारी धमकियों के बाद से ही सलमान की सुरक्षा और भी बढ़ा दी गई है। हालांकि सलमान ने शूटिंग अभी रोकी नहीं है। बिग बॉस की भी शूटिंग चल रही है और सलमान की आने वाली फिल्म सिकंदर की भी शूटिंग अभी तक स्केड्यूल के हिसाब से ही है। ये खबर लिखी थी शुभम ने, मैं हूं शिवानी। इस खबर पर जो भी अपडेट्स आएंगे हम आपको बताते रहेंगे, लेकिन जाने से पहले एक जरूरी सूचना। एक बार फिर ललन टॉप अड्डा जम रहा है, इस बार बिहार में। जगह है पटना का बापू सभागार। तारीख है 25 अक्टूबर। यहां आपसे मिलेंगे एक्टर्स, एजुकेटर्स, सिंगर, आईएएस अफसर और एंटरप्रेन्योर्स, स्टैंड अप कॉमेडियन और बढ़िया से नाटक का भी है इंतजाम। अड्डे में शामिल कैसे होना है, कोई मेहनत वाला काम नहीं है। खबर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और रजिस्टर कर दीजिए। फिर हम होंगे, आप होंगे और भरपूर होंगे मजे।